मिला हुआ है। रिकॉर्ड सुबह सूचना मिली थी टेलीफोन द्वारा कि गोल्फ ग्राउंड में किसी लड़की की लाश पड़ी हुई है। जो मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पे एक लड़की की लाश थी, जो उसके परिजन भी वहाँ पे मौके पर गए थे। जो लड़की गांव सिरसी की पहचान हुई है, लड़की का नाम आरती। क्या मामला दर्ज किया गया है? उनके देखिए घर वालों के उसकी माँ के ने बयान दिया है कि उसकी लड़की को मार कर यहाँ पर डाला गया है, जो उनके बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी पोस्टमार्टम के बाद कर रहे हैं। तो कौन है सर जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया? उन्होंने आरोप लगाए हैं, अभी गोल्फ ग्राउंड में एक कार्यकर्ता था, कर्मचारी रामनाथ, उसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। शुरुआत की जांच में क्या पाया गया सर? अभी कहना जल्दबाजी होगा, पोस्टमार्टम के बाद ही हम बता पाएंगे जी। वो ढाई दो ढाई बजे उठा के ले गया, वहीं पे गोल्फ में घास पे जा रही थी लड़की, वहाँ से उठा ले गया। उठा के ले गया, उन्होंने कह रहा था कि भाई मैं मार के फेंक जाऊंगा वहीं पे, जबरदस्ती उठा ले गया। लड़की बोली मेरी छोटी वाली साथ में थी, ये खड़ी है, कह रही थी अंकल ना ले जाओ मेरी बहन को, छोड़ दो, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है, मैं बाहर जा रही थी कुल 76 मेरे हस्बैंड में जा रहे थे जी। वो छोड़ा नहीं, वो लेके चला गया, गेल पड़ी। रात फोन 2:30 बजे किया उसने, कह रही तुम्हारी लड़की गोला में पड़ी है, मार के फेंक गया, मैं उठा लाओ जाके। रात तो हम गए नहीं जी, सवेरे गए थे, फिर उसके पापा के पास गए थे क्वार्टर पे से उसके पापा को लेके फिर गए थे, वहाँ देखे तो बॉडी पड़ी थी उसकी, उसने मार के फेंक के यार स्विच ऑफ कर लिया उसने। क्या आपका गोला पे क्या कौन है, हौलदार है क्या है वहाँ का, तो है जी। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं किस लिए मेरी लड़की को मारा, कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मेरी लड़की को किस लिए मारा उसने? जब हमारा ठीक है दूध ले जाता था, ठीक आता था जाता था, मेरे हस्बैंड बैठे रहते थे उसके पास, बैठ के यही छोड़ के आते थे, कोई बात भी नहीं होती, कभी गलत कहा नहीं, कल क्यों कर है मेरे लड़के को जबरदस्ती उठा के ले गया, क्यों मारा, किस लिए मारा, मैं ये चाहती हूँ कि किस लिए मारा। करनाल के मधुबन पुलिस अकेडमी में स्थित गोल्फ क्लब में आज एक 19 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि जो लड़की थी करनाल के गांव सिरसी की रहने वाली थी और 2 दिन से लापता थी। गोल्फ क्लब में वह घास काटने गई थी लेकिन वह घर नहीं पहुंची। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दे रखी थी और जिसके बाद आज सुबह करनाल की मधुबन थाना पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर 19 वर्षीय लड़की का शव जो है वहां पर मिला है, जिसका नाम आरती था, जो 2 दिन से लापता थी। और वहीं परिजनों की शिकायत पर आरोपी पुलिसकर्मी रामनाथ के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और लड़की के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।